बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र के कोटावारी मोड़ पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया था। पुलिस के द्वारा एक युवक की पिटाई के बाद गुस्साई ग्रामीणों ने रोड को किया था जाम। देखते ही देखते भीड़ उग्र हो गई और दक्षिणी पुलिस चौकी पर पथराव करते धावा बोल दिया। पथराव के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल होने की सूचना है। घायलों का हाल जानने के लिए मौके पर जिला अधिकारी हरि प्रताप शाही, पुलिस अधीक्षक देवेंद्र दुबे मौके पर मौजूद रहे। बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट, प्राइमेटी न्यूज। ग्राम धुबई के यहाँ राम दुलारी देवी ने अपने पति के भाई राम बड़ाई के लड़के पन्ना राजभर को एक कमरा दे दिया था अपने यहाँ रहने के लिए। उस संदर्भ में उसे खाली कराने के लिए उन्होंने कल प्रार्थना पत्र दिया था चौकी में। वहाँ चौकी से आरक्षी गए थे और वहाँ चौकी में लाए थे। वहाँ पर चौकी इंचार्ज ने उनसे पूछताछ की। पन्ना लाल राजभर का आरोप है कि उन्होंने उनके साथ मारपीट किया और दुर्व्यवहार किया, जिसके संदर्भ में आज इन लोगों ने रसड़ा में जाम लगाया हुआ था। बातचीत हो गई थी, ज्ञापन की कार्यवाही भी हो गई थी, किंतु कुछ अराजक तत्वों द्वारा बाद में उशकाने पर पथराव की घटना कारित की गई। लापरवाही के संदर्भ में चौकी इंचार्ज और आरोपित जो हेड कांस्टेबल हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है, तथा जिन लोगों ने इस घटना को कारित किया है, पथराव किया है, उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्यवाही की जा रही है, अभियोग बन जाए। इसमें एडिशनल एसपी उनके गनर को चोट लगी है और अन्य लोग भी घायल हैं, उनको अभी बता दिया है।